सुप्रभात छात्रों, आज मैं आपको चतुर्थ पाठ कारक परिचय पढ़ाने जा रही हूँ। कारक परिचय में जो कारक की परिचय दी गई है, मैं आपको एक चार्ट पेपर के माध्यम से बताने जा रही हूँ। इसमें जो आपके पाठ में कारक, कारक की विभक्ति और चिन्ह बताया गया है, मैं इस चार्ट पेपर के माध्यम से बता रही हूँ। आप इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कारक जो होता है वो क्रिया को संपादन करने के लिए जिस शब्द का उपयोग किया जाता है वह कारक कहलाता है। क्रिया और कर्ता और क्रिया, किसी भी वाक्य में कर्ता और क्रिया दोनों होती है। क्रिया को संपादन करने में कर्ता के अलावा जिस शब्दों का उपयोग करते हैं, जिस शब्द का उपयोग करते हैं वह कारक कहलाता है। कारक कितने होते हैं? कारक 8 होते हैं और इसके साथ विभक्ति लगाई जाती है। और विभक्ति कितने होती है? 7 होती है। कारक में चिन्ह के अनुसार ही विभक्ति लगाई जाती है। कारक का जितना चिन्ह होता है उसके अनुसार विभक्ति लगाई जाती है। सबसे पहले एक बार हम पूरे कारक का परिचय देखें। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कर्ता में ने का चिन्ह होता है और इस ने का चिन्ह के कारण ही इसमें प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। कर्म में को का चिन्ह होता है, को के कारण द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। करण कारक से के द्वारा इसमें तृतीय विभक्ति लगाई जाती है। संप्रदान को के लिए इसमें चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। अपादान से, ये दो से किसी की मदद से और ये से किसी के अलग करने में पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। संबंध, ये का के की के कारण षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। अधिकरण, इसमें मे पर के कारण सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। संबोधन में प्रथमा का ही प्रयोग होता है, इसमें हे वो अरे का चिन्ह होता है। अब ये कारक चिन्ह के अनुसार मैं आपको एक औकारांत पुल्लिंग शब्द यहाँ पर दी हूँ, जो कि आपके पाठ में जितने उदाहरण हैं ये इसी पर आपको इसका इस्तेमाल किया जाएगा। औकारांत का अर्थ होता है जिस शब्द का अंत में अ हो। अब यहाँ जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क के अंत में अ आ रहा है, तो ये औकारांत है और औकारांत अधिकतर शब्द पुल्लिंग होता है। इस कारण से मैं आपको बालक का एक शब्द ली हूँ और बालक का शब्द रूप के माध्यम से कारक का परिचय मैं बताऊंगी। अब आप अपने पुस्तक की ओर जाएं। अब देखें, सबसे पहला आपका है कर्ता कारक। कर्ता कारक, कर्ता अर्थात क्रिया को करने वाले को हम क्या कहते हैं? कर्ता। और इसमें क्या चिन्ह होता है? ने का चिन्ह होता है और ने के चिन्ह के कारण इसमें कौन सी विभक्ति लगाई जाती है? प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। पहला उदाहरण आप अपनी पुस्तक में देखिए, राकेशा पठती, राकेशा पठती। अब राकेशा को अगर हम यहाँ बिठाते हैं, यहाँ जैसे बालका पठती तो एक बालक पढ़ता है, वैसे ही राकेशा पठती, राकेश पढ़ता है, राकेश ने पढ़ता है। ने का चिन्ह आता है लेकिन कहीं कहीं अदृश्य रहता है, इस कारण से ने का चिन्ह नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ एक बालक पढ़ता है, दो बालक पढ़ता है और अनेक बालक पढ़ते हैं, तो यहाँ पे राकेशा पठती हो गया एक प्रथमा विभक्ति एक वचन, राकेश पढ़ता है और राकेश ही करता है। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक में को का चिन्ह होता है। वाक्य में जिस जगह पर कर्म लगाई जाती है उस जगह में को का चिन्ह अवश्य आएगा और उसी शब्द में द्वितीय विभक्ति लगाई जाएगी। जैसे यहाँ पे है बालकम, अर्थात एक बालक को, बालकों, दो बालक को, बालकान, अनेक बालकों को। अब आपके पुस्तक में क्या उदाहरण है देखिए, कर्म कारक का द्वितीय विभक्ति। कर्म जो होता है, क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। मालविका गजम पश्यति, मालविका बालिका का नाम है, गजम। अब यहाँ पे रंगीन शब्द है, इसी में विभक्ति लगी हुई है, यही कारक है। मालविका गजम पश्यति, तो मालविका क्या देख रही है? गजम, गज को देख रही है। तो गजम में कर्म कारक है, कर्म कारक में को का चिन्ह आया, गज को देख रही है। तो यहाँ इस कारण से इसमें द्वितीय विभक्ति बालकम गजम। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, मालविका बालकम पश्यति, मालविका बालक को देखती है। तो ये गजम द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है और द्वितीय विभक्ति को का चिन्ह के कारण द्वितीय विभक्ति लगाई गई है। तीसरा है करण कारक। करण में चिन्ह जो होता है से के द्वारा। करण की परिभाषा समझे, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो किसी की सहायता लेके करते हैं,
तो जिसकी सहायता से या जिससे कोई कार्य की जाए उसे हम क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। जैसे मैं आपको पुस्तक के माध्यम से पढ़ा रही हूँ तो ये पुस्तक से पढ़ा रही हूँ, तो मैं पुस्तक से सहायता ले रही हूँ, तो ये से का चिन्ह करण कारक कहलाता है। और इसमें से या फिर के द्वारा और इसमें तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। अब इसका शब्द रूप देखें, बालकेन, तृतीया में अर्थात एक बालक से बालकाभ्याम, दो बालक से बालकय, अनेक बालकों से। अब आपके पुस्तक में जो उदाहरण है, छात्राः कंदुकेन क्रीडन्ति, छात्रा अर्थात अनेक छात्र, कंदुकेन यहाँ पर तृतीया विभक्ति लगाई गई है, बालकेन के स्थान पर कंदुकेन रखा गया है। छात्रः कंदुकेन क्रीडन्ति अर्थात छात्र गेंद से, किसकी मदद से खेलते हैं, गेंद से खेलते हैं। अब आगे देखिए, संप्रदान कारक की परिभाषा समझे। जब भी हम किसी को कुछ देते हैं या फिर किसी के लिए कोई कार्य करते हैं तो उसमें संप्रदान कारक होता है। इसमें चिन्ह जो आता है वो को आता है या फिर के लिए आता है। जब भी वाक्य में संप्रदान कारक लगाई जाएगी तो उसमें को या के लिए चिन्ह होता है। इसमें कौन सी विभक्ति लगाते हैं, चतुर्थी विभक्ति। जैसे यहाँ पे देखे, बालकाय, एक बालक को या फिर एक बालक के लिए, बालकाभ्याम, दो बालक को या फिर दो बालकों के लिए, बालकेभ्या, अनेक बालक को या फिर अनेक बालकों के लिए। अब यहाँ आपका उदाहरण है, गणेशः भोजनाय गच्छति, गणेशः भोजनाय, यहाँ पे बालकाय की जगह पे भोजनाय रखा गया है, गणेश भोजन के लिए जाता है। गणेशा रंगीन शब्द है, यही आपका संप्रदान कारक है, गणेश भोजन के लिए जाता है, के लिए का चिन्ह आया है तो इस कारण से इसमें कौन सी व्यक्ति लगा है, एक वचन है तो भोजनाय। अपदान से, एक से जो है किसी की मदद से है, और ये दूसरी जगह जो से है ये पृथक अर्थात अलग जो होता है, कहीं से अलग होने की क्रिया जो होती है वो अपादान कारक होता है, पृथक का अर्थ होता है अलग। इसमें कौन सी विभक्ति लगाते हैं, पंचमी विभक्ति। अब इसमें जो शब्द आता है शब्द रूप में बालकात् अर्थात एक बालक से, बालकाभ्याम, दो बालक से, बालकेभ्यः, अनेक बालकों से। अब आपके किताब में है, वृक्षात फलानि पतन्ति, वृक्षात यहाँ देखिए बालकात के स्थान पे वृक्षात लगाया गया है, वृक्षात अर्थात वृक्ष से, फलानि अर्थात अनेक फल, पतन्ति अर्थात गिरते हैं, तो ये अलग हो रहा है ना, वृक्ष से फल अलग हो रहा है, तो अलग होने की प्रक्रिया जो है उसमें अपादान कारक कहलाता है बालकात। आगे देखिए, संबंध कारक जो होता है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु या फिर एक शब्द का दूसरे शब्द से जब संबंध बताया जाता है तो वह संबंध कारक कहलाता है। उसमें चिन्ह होता है का, के, की और रा, रे, री भी चिन्ह होता है, जो सर्वनाम शब्द में लगाया जाता है उसमें रा, रे, री भी चिन्ह होता है। इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका शब्द रूप जब पुल्लिंग का चलेगा, बालकस्य अर्थात एक बालक का, बालकयो, दो बालक का, बालकानाम, अनेक बालकों का। आपके पुस्तक में उदाहरण है, एषः ग्रामस्य कूपः अस्ति, एषः अर्थात यह, ग्रामस्य बालकस्य के स्थान पर ग्रामस्य कूपः अस्ति अर्थात गांव का कुआं है, कुएं का संबंध गांव से है, तो से जो चिन्ह संबंध आया है वो गांव से आया है, इस कारण से उसमें षष्ठी विभक्ति है। गांव का कुआं है, का चिन्ह आया है, इस कारण से इसमें षष्ठी विभक्ति, बालकस्य एक ही गाँव है तो बालकस्य के स्थान पर ग्रामस्य किए हैं। इसके बाद है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में अधिकरण कारक की परिभाषा समझे। जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य का एक स्थान होता है, एक स्थल होता है। जब भी हम, आप पढ़ाई कर रहे हो तो कक्षा में बैठ के पढ़ते हो, आप बैठ के पढ़ रहे हो तो आप कुर्सी पे आसंदिका पे बैठ के पढ़ रहे हो, तो कोई भी क्रिया करने के लिए जो होती है ना वो किसी न किसी स्थान पे क्रिया संपन्न होती है, तो उसी को अधिकरण कारक कहते हैं। इसमें कौन सा चिन्ह होता है, मे और पर का चिन्ह होता है। इसमें कौन सी विभक्ति लगाते हैं, सप्तमी विभक्ति लगाते हैं। यहाँ शब्द रूप देखें, बालके अर्थात एक बालक में या फिर एक बालक पर, बालकयो, दो बालक पर, बालकेशु, अनेक बालकों पर।
आपका यहाँ उदाहरण है अधिकरण कारक सपने व्यक्ति का, बालिका मंचे नृत्यंती। बालिका अर्थात अनेक बालिका जो है वो मंच पर, मंच अर्थात स्टेज जिसको कहते हैं मंचे। अब यहाँ पे देखिए शब्द रूप बाल के है ना, बाल एक मंच है, जब भी मंच होगा तो एक ही मंच में लोग ये अभिनय करेंगे, तो मंचे नृत्यंती एक मंच पर बालिका अनेक बालिका नृत्य कर रही है। अब संबोधन, संबोधन जो होता है जब भी हम किसी को बुलाते हैं तो बुलाने के क्रम में जो शब्द का उपयोग करते हैं वो संबोधन कर करते हैं, किसी को पुकारना किसी को बुलाना, तो ये सब इसमें होता है। हे भो, हे बालिके अत्र आगच, भो बालका त्वं कुत्र गच्छसि। तो ये संबोधित जब भी हम किसी को करते हैं तो संबोधन वाले शब्द होते हैं, लेकिन इसके साथ विभक्ति का प्रयोग जो होता है वो अलग विभक्ति नहीं होता, वो प्रथमा विभक्ति के अनुसार ही लगाई जाती है। जैसे आप यहाँ देखें, हे बालक हम प्रथमा में लगाए हैं, सिर्फ विसर्ग हटा है, तो हे हे संबोधित शब्द जरूर लगेगा और प्रथमा के अनुसार बालक लगा है। हे बालको, हे बालको, हे बालका, हे बालका, अर्थात प्रथमा के अनुसार इसका अलग कोई विभक्ति नहीं होती है। अब इसमें उदाहरण देखें, हे ईश्वर संसारम रक्ष, हे ईश्वर, ईश्वर को संबोधित कर रहे हैं लोग, हे ईश्वर संसार की रक्षा करे। तो ये संबोधन वाला चिन्ह में, संबोधन वाला ये चिन्ह अवश्य होना चाहिए, जिसको आप हिंदी में विस्मय आदिबोधक चिन्ह होता है वैसे ही संबोधन का चिन्ह होता है, तो ये चिन्ह अवश्य ही लगाई जाएगी। अब ये रहा आपका कारक परिचय। अब ये कारक परिचय आप वीडियो को देख के भली भांति समझेंगे और इसकी परिभाषा और उपपद विभक्ति मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आपको आगे कक्षा में भी भेजूंगी। अब इसके प्रश्न उत्तर भी मैं आपको नोट्स के माध्यम से भेजूंगी। धन्यवाद।